बाजू में डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने बाजू की लंबाई रखी है 14.5 इंच और जो चौड़ाई है मोहरी की वो मैंने 7 इंच रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे मोहरी साइड से 9 इंच का कट लगाऊंगी इस तरीके से। मैं यहाँ पे ये जो स्लीव डिज़ाइन बना रही हूँ ये पाकिस्तानी सूट के साथ बना रही हूँ, तो आप अपने पाकिस्तानी सूट के साथ इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने ऐसी पट्टी कट कर ली है, एक चौड़ी पट्टी 4 इंच के लेके सेंटर से कट करके इस तरीके का पट्टी हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम इसको रख के कट के साथ इस तरीके से केयरफुली जोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो इस पट्टी पर पेस्टिंग लगा सकते हैं, उससे थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सिंपल ही स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए छोटा सा कट लगाएंगे हम। कट लगाने के बाद इसे हम दूसरी साइड फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। पूरा कपड़ा हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है। तीनों ओर से हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन जो है आप यहाँ पे मैं क्रोशिया लेस के साथ बना रही हूँ, तो आप चाहें तो क्रोशिया लेस लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो जरी वरी लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पहले चारों ओर से स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। अब ये जो हमने कट बनाया था वो हमारा स्टिच हो गया है। नीचे की साइड भी हम थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि ये जो एंडिंग है वो हमारी थोड़ी फिनिशिंग आ जाए एंडिंग में। तो पहले हमको सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाना और अलग अलग तरह के डिज़ाइंस सीखने को मिलता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम लेंगे अपनी क्रोशिया लेस। यहाँ पर मैंने कपड़े को प्रेस कर दिया है। अब क्रोशिया लेस लेंगे हम और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे लगा रहे हैं। थोड़ा सा किनारी छोड़ते हुए हमें इसको लगाना है। कॉर्नर पे आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसी तरीके से आपको जो है चारों ओर घुमा करके इसको लगा लेना है। यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ चौकोर बनाना है आपको, जिस तरीके से हमने स्टिच किया था, और चौकोर बनाते हुए आप जो है इस तरीके से किनारे पर थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है नीचे की तरफ भी इसको लेस को लगा लेना है और ये हमारा जो है स्लीव्स कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम लेंगे मोती। मोती से हमें करना है इसको डिज़ाइन। तो हम सबसे पहले कपड़े को कर लेते हैं उल्टा और नीचे की साइड से हम स्टिच करना शुरू करेंगे। तो हमने एक साइड पकड़ा, फिर हमने एक मोती लगाई और दूसरी साइड थोड़ा सा कपड़ा ले लिया और इस तरीके से जो है आपको मोती के साथ जो है दोनों कट्स को ज्वाइंट करना है। अब आपको एक एक करके इस तरीके से जो है अच्छे से गांठ लगा लेनी है। गांठ लगाने के बाद जो है एक एक मोती को आपको, क्योंकि जब टांकना होता है तो आपको जो है हर बार अच्छे से गांठ लगा लेनी चाहिए इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी गैप पे, एक एक इंच के गैप पे मैं यहाँ पे मोती से दोनों कट्स को ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने जो है एक एक मोती लगाना है और ज्वाइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये बाजू डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इसे अपने सूट के साथ बना सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक भी नहीं लगता है, कम फैब्रिक में ही बन जाता है। तो काफ़ी आसान है ये डिज़ाइन और बनने के बाद देखिएगा काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। तो हम इसी तरीके से जो है पूरी ऊपर तक मोती को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से सारे मोतियों को लगा लेंगे एक एक करके। इस सूट का नेक डिज़ाइन और इस सूट के साथ मैंने बनाया था प्लाजो पैंट, जिसका डिज़ाइन भी मैंने आपको यहाँ पर पहले शेयर किया हुआ है। तो ये देखिए जो है हमारे स्लीव्स में सारे बटन्स मोती लग गए हैं और ये स्लीव्स हमारी कुछ इस तरह की बन के आई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।